बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको पता है कि पेशावर में ये ड्रग एडिक्ट्स की जो लानत है उससे सूबाई हुकूमत महमूद खान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़ियादत में एक स्ट्रेटजी हमने बनाई और उस स्ट्रेटजी पे हम काम कर रहे हैं और उसका मेन मकसद ये था कि पेशावर को ड्रग एडिक्ट्स से साफ किया जाए और दूसरी बात ये थी कि ये जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं इनको माशरे का अहम रुकन ये है और इनको दोबारा मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो इस सिलसिले में पिछले दो दिन से जिले इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर साहब की क्यादत में ये ऑपरेशन कर रही है जिसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस और बाकी जो मुतालका महकमे हैं वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी और आपने खुद जो हेल्थ फैसिलिटीज हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपने अंदर देखा कि इन ड्रग एडिक्ट्स की हालत अरेस्ट होने से पहले कैसे थी और अब कैसी है। तो इस पे सूबाई हुकूमत ने हमें जो फंड्स हमें दरकार थे वो हमें दे दिए। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि पेशावर के जितने ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको पेशावर की गलियों से, सड़कों से इनको उठाया जाए, 3 महीने तक इनका इलाज किया जाए और फिर माशरे में मेन स्ट्रीम में ला के इनको माशरे का एक बार फिर आम मेंबर बनाया जाए। ये जितने भी ड्रग एडिक्ट्स को हमने इंटरव्यू किया है ये सारे अच्छे मोजेस घरानों से तकरीबन ताल्लुक रखते हैं और किन वजहों के साथ, चंद वजहों की वजह से ये इस लानत में पड़ गए। तो इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम है, सूबाई हुकूमत का ये एक जबरदस्त इनिशिएटिव है और इंशाल्लाह हम पेशावर को ड्रग एडिक्ट से साफ करेंगे, इनको माशरे का अहम मेंबर एक दफा फिर बनाएंगे और इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली हमारे जितने भी इदारे हैं जैसे पुलिस है, ANF है और एक्साइज डिपार्टमेंट है, ये बढ़ चढ़ कर जो प्रिवेंटिव मेयर्स हैं, मंशियात की फ्लू को रोकने के मेयर्स हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह साइमल्टेनियसली काम कर रही है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त एफर्ट है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब तक कम्युनिटी आपके साथ ना हो तो कोई भी चीज कामयाब नहीं हो सकती और हर चीज हुकूमत खुद नहीं कर सकती है। तो इसलिए मेरी कम्युनिटी से अपील है कि वो हुकूमत के साथ बढ़ चढ़कर इसमें ताउन करें